हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले सबको जय माता दी, बहुत बहुत बधाई। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो जिस बात की मैं आपको बता रहा था कि मॉन्स्टर अनबॉक्सिंग होने वाली है, तो वो प्रोडक्ट आ गया। यस, आई हैव गॉट दिस सैमसंग M30S। तो दिस इज़ आई थिंक एक्चुअल जो यूज़र है, यूज़र एंड रिटेल पैक की अनबॉक्सिंग होने वाली है, जो कि कंपनी की तरफ से नया है, जो मैंने खुद लिया है और काफ़ी अच्छे रेट पर और काफ़ी अच्छे स्कीम से मुझे मिल गया है। एंड दिखाते हैं आपको अनबॉक्सिंग और इससे डिटेल रिव्यू इसके बाद जब मैं इसको यूज़ करूँगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट फोन जिसमें 6000 mAh की बैटरी है फ्रॉम द सैमसंग, और लेट्स अनबॉक्स इट और फिर इसको आपको दूंगा रिव्यू। तो पहले अनबॉक्सिंग देख लें। हियर वी गो। सो वेयर इज द बॉक्स? M30S। Closer. So this is the banking retail price. Let's do the honors. And this is, I love it, made in India. गिफ्ट पहले नवरात्रे पे, और ये मैंने इसलिए लिया है, बेस्ट फोन फॉर डीजे ड्रोन्स, डीजे ऐप। तो फ्रेंड्स, ये पड़ा है मोबाइल, तो इसको अनबॉक्स करने से पहले आपको दिखा देते हैं एक्सेसरीज। सो दिस इज अ जंबो fast charger from the Samsung, and this is USB type C, paper works, this is same ejector pin, and ये जो निशान डालता है Samsung अपने फोन में, तो that's it, the main thing, let's unwrap the magic। सुनिए आवाज। ये प्लास्टिक का सीन होता है, आई लविंग द कवर, कलर बहुत अच्छा है इसका, दैट्स ग्रेट। सी अमेजिंग कलर। अब 6000 mAh की बैटरी और इतना लाइट वेट, अमेजिंग फ्रॉम अमेजिंग थिंग फ्रॉम सैमसंग। अब इसको आपको थोड़ा क्लोजअप दिखाते हैं। और ये जो ब्लूइश एंड ग्रीनिश कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका, और काफ़ी आई डोंट लाइक बल्की फोन्स, तो 6000 की बैटरी होने के बावजूद ये फ़ोन मुझे बल्की नहीं लग रहा। megapixels, touch ID, beautiful। तो अब करते हैं इसको बूट। Samsung Galaxy M30S। OLED display इस सेगमेंट में, Infinity display, that is amazing। Now I have to insert SIM card। Battery है इसमें, तो कार्ड डालते हैं।
और फ्रेंड्स इसमें आपको मिलता है ट्रिपल सिम स्लॉट, जिसमें आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, बहुत ही चीज़ है। अदरवाइज फोन में वो हाइब्रिड सा स्लॉट आता है, वो मुझे पसंद नहीं। दैट्स अगेन गुड। तो कुछ ख़ास बातें इसकी, काफ़ी अच्छा मुझे फीलिंग आ रही है इसके डिस्प्ले वगैरह को देखते हुए एंड एवरीथिंग, एंड काफ़ी स्मूथ है ऑपरेशन में। और सबसे बड़ी बात, इसमें वाईफाई के जैसे आईफोन में आपको मिलते हैं दो बैंड्स, 5 and 2.8 वाला, 2.8 वाला स्लो चलता है, 5 वाला फास्ट होता है, तो वो इस फ़ोन में आपको मिल रहा है। ये हाई एंड फोन में मिलता है, फ्लैगशिप फोन में, तो वो आपको इसमें मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। फर्स्ट ओवरव्यू में देख सकते हैं कितना इजीली मैंने 6000 mAh का फ़ोन पकड़ा हुआ, और हाथ में काफ़ी लाइट वेट और बहुत कॉम्पैक्ट लग रहा है। और सबसे बढ़िया इसमें मुझे अब तक ओवरव्यू में लगा इसका डिस्प्ले हैंडलिंग। फोटोज़ में आपको नहीं पता लगेगा फ्रेंड, जब तक आप इसको हाथ में नहीं पकड़ेंगे। बहुत लाइट वेट और बहुत ही कॉम्पैक्ट, सिंगल हैंडेड यूज़ कर सकते हैं इतना बड़ा फ़ोन। अदरवाइज़ मैं छोटे फ़ोन रखता हूँ, मुझे आदत नहीं है। तो जो जो लोग पसंद करते हैं और इस वजह से रह रहे हैं कि ये बल्की होगा, तो प्लीज़ ये बल्की नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में बहुत अच्छा फ़ोन है। OLED डिस्प्ले का स्मूथ अल्टीमेट। अभी ये ओवरव्यू है, पूरा डिटेल रिव्यू ज़रूर मिलेगा इसी चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। और जो इन्फिनिटी डिस्प्ले है, फुल डिस्प्ले और छोटा सा नॉच, इसमें कैमरा 35 megapixels का शायद। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको बैटरी 6000, इसको 2 दिन तक ज़बरदस्त चलाएं, क्योंकि हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं जो कि कंटेंट काफ़ी यूज़ करते हैं, कंटेंट बनाना पड़ता है तो कंज्यूम भी करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो ड्रोन्स में आपको कई बार बैटरी फ़ोन उड़ाते हैं, इसको मैं बेसिकली दो पर्पज़ हैं, एक मेरा टिकटॉक इसमें चलेगा, ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, तीसरा इससे मैं ड्रोन्स कि जो DJI ऐप इसमें इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो आपको अच्छा बैकअप दे, और इससे अच्छा बैकअप आई थिंक अभी तक मार्केट में कोई फ़ोन नहीं दे रहा होगा जितनी इसकी बैटरी है। बाकी मैं परफॉर्मेंस आपको बताऊँगा कितने दिन चलता है, काफ़ी वीडियोज़ आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कंज्यूमर हैंड से जो एक्चुअल कंज्यूमर है जिसने लिया है, वो आपको इस वीडियो पर मिलेगा। इसमें कोई बायसिंग नहीं होगी, मैं यूजली मेरा प्राइमरी फ़ोन आईफोन है, इसके साथ भी कंपेरिजन करूँगा, आईफोन XS आई यूज़, दिस इज़ माई सेकेंडरी फ़ोन, एंड पूरा जेन्युइन बायस्ड व्यू बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसका डिटेल रिव्यू देखने के लिए। आई लव फोटोग्राफी, मेरा फोटोग्राफी चैनल इंस्टा पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। फेसबुक भी मेरा डी डॉक्टर एम रॉक्स फोटोग्राफी से पेज है, तो आई लव फोन फोटोग्राफी, तो इससे मैं बहुत अच्छी फोटोज़ खींचता हूँ और इससे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि काफ़ी अच्छी मुझे फोटोज़ देखने मिलेंगी। तो ये सारा कुछ इसका कैमरे का रिव्यू, वीडियोज़ का रिव्यू सब आपको मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्टीमेट आई लव डिस्प्ले। और फिंगर की काफ़ी बात हो रही थी, और मेरे जो हाथ हैं वो इतने मतलब नॉर्मल हाथ हैं, ज़्यादा बड़े हाथ नहीं हैं, तो बड़ी आसानी से मेरा टच आईडी पे फिंगर जा रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिज़ाइनिंग के हिसाब से बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है फ़ोन, और काफ़ी अच्छा फ्लैशी कलर, ब्लू ग्रीनिश, आई लव दिस कलर। फ्रेंड्स ये था इसका ओवरव्यू एंड अनबॉक्सिंग, तो इसके डिटेल अभी सारी मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, और लाइक ज़रूर करें बटन। थैंक यू।